ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर आगमन के पहले ही रिमझिम बारिश के बीच शहर की राजनीति का पारा चढ़ गया। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने को लेकर गुस्साए कांग्रेसी उन्हें काला झंडा दिखाने पर अड़े रहे। इसके लिए उन्होंने विधानसभा 2 में हस्ताक्षर अभियान के जरिए पूरी प्लानिंग भी कर ली, लेकिन बिना अनुमति के उनके धरने को पुलिस ने हटा दिया। इसी बीच पुलिस ने उनके नेता चिंटू चोकसे को गिरफ्तार किया तो कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जिस पर पुलिस ने लाठी भांज कर उन्हें शांत किया। कांग्रेसियों ने सिंधिया के विरोध में अरविंदो चौराहे पर एक टेंट लगाया था। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। सिंधिया के आने के पहले ही पुलिस ने कांग्रेसियों को टेंट सहित वहां से हटा दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा कि काले झंडे दिखाने से पहले हमारी गिरफ्तारी दिखा रही है कि सरकार कितनी चिंतित है। हंगामा कर रहे कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी भांजी और उन्हें पुलिस वैन में बिठा लिया। इस दौरान विधानसभा 2 के पार्षद चिंटू चोकसे ने अपनी और कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया। इंदौर ब्यूरो से मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।